यह वीडियो इंडियन आदमियों के लिए है कि नेपाल के भीतर क्या चल रहा है। इस वीडियो में आपको सुनने को मिलेगा कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो करोड़ों नेपाली खुश हुए और उन्होंने पटाखे फोड़े, और सुनने को मिलेगा राजा महेंद्र की मौत, राजा बीरेंद्र की मौत, राजा महेंद्र द्वारा बांग्लादेश को मान्यता न देना, चीन नेपाल की तरफ या नेपाल चीन की तरफ क्यों ज़्यादा सहयोगी हो रहा है, और सुनने को मिलेगा कि भारत की अपेक्षा 5 गुना ज़्यादा काम चीन ने नेपाल में किया है, और चीन नेपाल के विकास में भारत से ज़्यादा साथ नेपाल का दे रहा है, और सुनने को मिलेगा कि नेपाल के लोगों को किसी भी हाल में नेपाल को बचाना है, और उन्हें पूरा भरोसा है कि वो चीन के साथ जाएंगे तो उनका देश सुरक्षित रहेगा। आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो को पूरा सुने। इस वीडियो में हम बताएंगे कि नेपाल के चीन की तरफ जाने के असली कारण, उसमें गलतियां कहां हुई है भारत के द्वारा, भारत ने या भारत सरकार ने ऐसी कौन सी गलतियां की है जिसके कारण नेपाल चीन की तरफ मजबूरी में आगे बढ़ रहा है, चीन का पक्का दोस्त बन रहा है। ये गलतियां भारत सरकार द्वारा कहां हुई है? आज तक हम इन चीजों को छुपाते थे। क्यों छुपाते थे? क्योंकि भारत हमारा देश है और हम अपनी मातृभूमि के खिलाफ नहीं बोल सकते और आज भी नहीं बोलेंगे, लेकिन सच तो बताना ही पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा दिन अपनी गलतियां नहीं छुपाई जा सकती है। इसलिए हमने सोचा कि जो बातें होंगी वो निष्पक्ष होंगी, ना तो नेपाल की तरफ से ना भारत की तरफ से। तो नेपाली लोगों को इस समय लगता है कि भारत हमारे अस्तित्व के लिए खतरा है, और दोस्तों एक बात तो सही है, नेपाल की 35-40% जो जनसंख्या है, जनता है, वो इंडियन है, और नेपाल का कहना है कि 70 लाख लोगों को नागरिकता मिल गई है नेपाल की, जो कि इंडिया के लोग हैं। अब आप खुद ही सोचें कि हमारे देश में यदि 40% क्रिश्चियन या मुस्लिम लोग हो जाते हैं तो वो हमारी सभ्यता को जरूर खत्म कर देंगे, यानी वो हमारे देश को क्रिश्चियन कंट्री या इस्लामिक देश बना देंगे। यही खतरा नेपाल के जो पहाड़ी लोग हैं उनको साफ दिखता है कि यदि नेपाल में ज्यादा भारतीय लोग घुस गए तो ये नेपाल की प्राचीन सभ्यता को खत्म कर देंगे। सीधा आप समझें, नेपाल अपने अस्तित्व के लिए भारत को खतरा मानता है, इसलिए वो चीन का साथ ले रहा है। इसमें भारत सरकार द्वारा कहां कहां गलतियां हुई हैं ये जानिए, शुरू से जान लीजिए, कुछ ही गलतियां आपको हम बताएंगे। 1950 में सरदार वल्लभ भाई पटेल 1947 जब आजाद हुआ था तो उन्होंने कहा कि नेपाल को भारत का हिस्सा बनाएंगे। उसी समय नेपाली लोगों ने भारत को शक की नजर से देखना चालू कर दिया था। उसके बाद 1962 में नेपाल का कहना है कि 1962 में हमने काला पानी की बहुत सारी भूमि भारतीय सेना की मदद के लिए दी और भारतीय सेना ने उस जमीन को कब्जा कर लिया और आज उस भूमि को मिला दिया। इतना तो मुझे पता है कि बीपी कोइराला कभी नहीं चाहते थे कि काला पानी भारतीय सेना को दिया जाए, और बीपी कोइराला ने जब विरोध किया कि क्यों काला पानी भारत को दिया गया तो बीपी कोइराला को पद से ही हटा दिया गया, ये हमें पता है। तीसरा, जब बांग्लादेश बना तो राजा महेंद्र ने बांग्लादेश को मान्यता नहीं दी, क्योंकि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे। राजा महेंद्र को पता था कि भविष्य में भारत मदेश को अलग करके अलग देश या भारत में मिला सकता है, इसलिए उन्होंने बांग्लादेश को मान्यता नहीं दी। भारत सरकार ने उनके ऊपर बहुत प्रेशर बनाया, लेकिन राजा महेंद्र ने मान्यता नहीं दी। जिस समय उनकी मृत्यु हुई उससे कुछ समय पहले ही उन्होंने बांग्लादेश को मान्यता दी। और यहां पर नेपाल की जनता का कहना है कि राजा महेंद्र की मृत्यु में भारत का हाथ है। अब है या नहीं है हमें नहीं मालूम, लेकिन जब 1-1.5 करोड़ जनता ऐसी कह रही है कि राजा महेंद्र की हत्या में भारत का हाथ है तो कहीं ना कहीं यकीन होने लग जाता है, क्योंकि उनके प्रमाण देखते हैं तो यकीन होने लग जाता है।
लाल बहादुर शास्त्री की तरह समझौता नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने किया तो उनकी तुरंत मौत हो गई। जैसे ही आज उन्होंने समझौता कर दिया तो रात को उनकी मौत हो गई। तो लाल बहादुर शास्त्री जैसी घटना को जो लाल बहादुर शास्त्री के साथ में हुई थी, उसी घटना से राजा महेंद्र की मृत्यु को नेपाल के लोग मिलाकर देख रहे हैं और उनका मानना है कि राजा महेंद्र की मृत्यु में भारत का हाथ है। फिर उसके बाद 1975 में सिक्किम का विलय भारत में हुआ। इससे यहां पर भी नेपाल सिक्किम को अलग ही देश मानता था, नेपाल उसको भारत का अंग नहीं मानता था। तो क्यों नहीं मानता था? क्योंकि नेपाल को यह भी डर था कि भारत हमारा मधेश छीन सकता है या नेपाल का विलय भी भारत में करवा सकता है। ये डर था नेपाली लोगों को, इसलिए उन्होंने सिक्किम को भारत का हिस्सा नहीं माना। लेकिन नेपाली मीडिया की माने तो भारत ने प्रेशर बनाया मजबूरी में, वहां के किंग को सिक्किम को भारत का हिस्सा मानना पड़ गया। और राजा बीरेंद्र के संबंध भारत से बहुत ज्यादा खराब हुए। इसका पता ऐसे चलता है जब 1985 में सोनिया गांधी पशुपतिनाथ के मंदिर में जाना चाहती थी तो उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। उसके बाद राजीव गांधी भारत आते हैं और नाकाबंदी बॉर्डर जो है उसको सील कर देते हैं, नेपाल में सामान नहीं जाने देते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि उस समय या हो या 2015 तक नेपाल बहुत से ज़्यादा सामानों के लिए भारत पर निर्भर था, और जब ब्लॉकेट हो जाता था तो नेपाल में हर सामान की कीमत 5 गुना 6 गुना हो जाती थी। तो राजीव गांधी ने ब्लॉकेट लगा दिया नेपाल पे। क्यों लगाया? कि उन्होंने सोनिया गांधी को अंदर नहीं घुसने दिया। ये कौन सी बात हो गई? सोनिया गांधी दूसरे धर्म की है, उन्होंने पशुपतिनाथ मंदिर में उनको नहीं घुसने दिया, तो उसमें ब्लॉकेट नहीं लगाना चाहिए था। ये कांग्रेस सरकार की सबसे बड़ी गलती है। अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए भारत और नेपाल के संबंध खराब करना, ये कांग्रेस सरकार की यानी राजीव गांधी की बहुत बड़ी गलती है। उसके बाद भी कहा जाता है, ये तो भारतीय जो राज के अधिकारी हैं उन्होंने भी स्वीकार किया है कि नेपाल में कम्युनिस्ट पैदा कराने में भारत का सबसे बड़ा हाथ है। ये स्वीकार राज के बहुत सारे अधिकारियों ने किया है। और नेपाल की 1 करोड़ जनता 1.5 करोड़ जनता तो ऐसे ही कहती है कि कम्युनिस्टों को भारत ने पैदा किया। इसके साथ साथ बहुत सारी संधियां नेपाल और भारत के बीच में हुई, जिसके अनुसार नेपाल की बहुत सारी भूमि पर भारत का अतिक्रमण हो गया। जैसे टनकपुर हुआ, कोसी बैरेज का समझौता है, और भी बहुत कुछ है। अब जैसे कोसी में भारतीय लोग कहते हैं कि नेपाल जो दरवाजे हैं उनको बंद नहीं रखता है, खोल देता है तो बाढ़ आ जाती है। दोस्तों, जब नेपाल उन दरवाजों को बंद करता है तो नेपाल के हिस्से के बहुत सारे गांव डूब जाते हैं, ठीक है। तो नेपाल अपने बचाव में उनको खोलता है तो जाके भारत में भी डूब जाते हैं। समस्या तो दोनों तरफ है, नेपाल में भी है तो भारत में भी है। लेकिन भारतीय लोग सोचते हैं कि नेपाल जानबूझ के दरवाजे खोल रहा है, जो उसके दरवाजे होते हैं बांध के उनको जानबूझ के खोल रहा है, ये भारतीयों का मानना है। और तब भारतीय लोग गाली देते हैं नेपालियों को, तो नेपाल को गुस्सा आ जाता है कि भाई हमारी भी तो भूमि डूब रही है, पहले हम अपना बचाव करेंगे। तो इस प्रकार की बहुत सारी संधियां हो रखी है भारत और नेपाल के बीच में। अब किंग बीरेंद्र जो थे उनकी हत्या में भी नेपाली लोग भारत का ही हाथ मानते हैं। हालांकि हमने बहुत सारी वीडियो बनाई और कहा कि नहीं, भारत का हाथ इसमें बिल्कुल नहीं है, ठीक है, लेकिन वो लोग नहीं मानते। वो कहते हैं भारत का ही हाथ है। और उनके बहुत सारे तर्क मैं सुनता हूं तो मुझे लगता है कि हो सकता है भारत सरकार का इसमें कहीं ना कहीं हाथ हो, ऐसा मुझे भी कभी कभी लगता है। नेपाल से हिंदू धर्म खत्म करवाना, नेपाल में 17,000 आदमियों को माओवादियों द्वारा मरवा देना, नेपाल के हिंदू राष्ट्र का दर्जा छीन लेना, इन सब घटनाओं में नेपाल के लोग भारत का हाथ मानते हैं और ऐसे ऐसे तर्क देते हैं कि आपको मजबूर होना पड़ेगा उनकी बात पर यकीन करने के लिए। चीन, आप सोचते हैं कि चीन कम्युनिस्टों का साथ दिया होगा पहले में, नहीं, चीन तो खुद कम्युनिस्ट देश है
और वो नेपाल को लोकतंत्र क्यों बनाएगा, ये बात हम पहले भी कह चुके हैं। नेपाल को लोकतंत्र बनाने में भारत का ही हाथ है। चीन नेपाल को लोकतंत्र नहीं बनाएगा क्योंकि चीन लोकतंत्र से नफरत करता है। आप सीधा समझें कि नेपालियों का मानना है कि नेपाल का हिंदू राष्ट्र का दर्जा भी भारत ने खत्म करवाया, कांग्रेस सरकार ने। नेपाल में जो ईसाईकरण तेज हुआ वो भी भारत ही करवा रहा है, ये नेपाली लोगों का मानना है। क्योंकि भारत में जो यूरोपियन यूनियन के एनजीओ हैं वो नेपाल के एनजीओ से मिले जुले रहते हैं, तो नेपाल में जो ईसाईकरण हो रहा है उसमें भी नेपाल के लोग भारत को दोषी मानते हैं और तर्क देते हैं जिन तर्कों पे भरोसा करना पड़ता है। मुझे कह सकते हैं कि कांग्रेस सरकार द्वारा बहुत सारे घाव नेपाल को दिए गए हैं। अब आए 2014 में नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी के पक्ष में लगभग 2.5 करोड़ नेपाली थे, बिल्कुल उन्होंने नरेंद्र मोदी का सपोर्ट किया। और जिस दिन चुनाव नरेंद्र मोदी जीते उस दिन नेपाल में भी पटाखे फटे हैं। अब सोचो, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत में बने तो नेपाल के सभी लोग बहुत खुश हुए और उनको उम्मीद थी कि अब भारत और नेपाल, भारत नेपाल के साथ में कुछ गलत नहीं करेगा क्योंकि अब हिंदुओं की सरकार भारत में आ गई है, ये भरोसा था नेपाली लोगों को। लेकिन हुआ क्या, नरेंद्र मोदी ने 2015 में ब्लॉकेट कर दिया और सामान की 6 महीने ब्लॉकेट रहा है वहाँ पे, और सामान की कीमत 4 गुने 5 गुने ज़्यादा हो चुकी थी, और उससे पहले नेपाल में भूकंप आया था, यानी नेपाल की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी बुरी कदर, और उसमें भी ब्लॉकेट हो गया तो नेपाल को बहुत भारी दिक्कत हो गई। मैं नहीं कहता कि नरेंद्र मोदी ने ब्लॉकेट किया या नहीं किया, लेकिन नेपाली लोगों का यही मानना है कि बीजेपी ने ब्लॉकेट करवाया। हालांकि मैंने भी अपनी पुरानी वीडियो में तर्क दिए हैं कि बीजेपी ने नहीं करवाया, लेकिन नेपाल के लोग मानते हैं कि बीजेपी ने ही करवाया। और ये बात भी सही है कि नरेंद्र मोदी चाहते तो ब्लॉकेट खोल सकते थे, चाहे वो किसी ने भी करवाया, लेकिन बीजेपी चाहती तो ब्लॉकेट खोल सकती थी। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि सेकुलर संविधान का विरोध किया नरेंद्र मोदी ने, कि नेपाल के लोगों तुम सेकुलर संविधान मत लगाओ, इसलिए ब्लॉकेट हुआ, ऐसा भी मीडिया में कहा जा रहा है। अब ये काला पानी का लफड़ा आ गया, तो आप समझें 1950 से और 2020 तक भारत की सरकारों द्वारा नेपाल को बहुत सारे घाव दिए गए हैं। अब वो सही हैं या गलत हैं उसके प्रमाण हमारे पास बिल्कुल नहीं है, हमने जो मीडिया में सुना वही बताया। लेकिन नेपाल की जनता को तो लगता है ना कि भारत ने हमें ये घाव दिए, और नेपाल की जनता को ये सबसे ज़्यादा लगता है कि भारत हमारे अस्तित्व के लिए खतरा है, क्योंकि सीमा पर रोज भारत द्वारा अतिक्रमण की वीडियो नेपाली जनता को दिखाई जाती है। अब नेपाली सीमा का अतिक्रमण हुआ कि नहीं हुआ तो हमें पता नहीं, लेकिन 60,000 हेक्टेयर भूमि का इस समय लफड़ा तो चल ही रहा है भारत और नेपाल के बीच में, नेपाल उसे अपनी भूमि मानता है। सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है, जैसे भारत में ये समस्या है कि अगर 50 करोड़ मुस्लिम हो गए तो भारत की हिंदू सभ्यता को खत्म कर देंगे, ठीक है, यानी भारत एक इस्लामिक देश बन जाएगा। उसी प्रकार नेपालियों को भी ये डर है पहाड़ी समुदाय को कि भारत के बिहार उत्तर प्रदेश के लोग यदि ज़्यादा घुस गए नेपाल में तो पहाड़ियों की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं, धर्म है, उसको नष्ट कर देंगे, ये डर लगा रहता है पहाड़ी लोगों को। और ये बात सही भी है कि अगर नेपाल में ज़्यादा भारत के लोग हो गए तो कहीं ना कहीं पहाड़ियों के अस्तित्व के लिए खतरा जरूर हैं, क्योंकि पहाड़ी लोगों के जो रीति रिवाज हैं वो प्लेन एरिया वालों से अलग होते हैं। तो नेपाली लोग भारत को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानते हैं, क्योंकि भारत की सरकारों द्वारा कुछ ऐसी गलतियां जरूर हुई है जिससे नेपाली लोग भारत को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानते हैं, इसलिए वो चीन की तरफ जा रहे हैं। आपको एक चीज का पता नहीं है, अभी चीन की बात आ रही है कि नेपाली भूमि का अतिक्रमण किया,
ये बात नेपाली लोग अच्छे से जानते हैं कि कांग्रेस हमेशा विरोध करती है कि चीन ने नेपाली भूमि का अतिक्रमण किया, और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विरोध करती है कि भारत ने नेपाली भूमि का अतिक्रमण किया। तो जो वहाँ पे कांग्रेस पार्टी है उसको नेपाली लोग आज से नहीं पहले से ही भारत का दलाल कहते हैं, क्योंकि गिरजा प्रसाद कोइराला को तक उन्होंने नहीं बख्शा, उनको भी वो कहते हैं कि गिरजा प्रसाद कोइराला भी भारत की दलाली करते थे, ये कहते हैं नेपाल के लोग, मैं नहीं कह रहा हूँ। यानी वो पहले से ही कांग्रेस को भारत का दलाल कहते हैं, और अब जब कांग्रेस ने कहा कि चीन ने हमारी भूमि का अतिक्रमण किया तो नेपाली लोगों को लगा कि हाँ ये भारत का की दलाली कर रहे हैं, इसलिए चीन और नेपाल के संबंधों को खराब करने के लिए जानबूझ के कह रहे हैं कि चीन ने नेपाली भूमि का अतिक्रमण किया। ये सोचना है नेपाली जनता का, चीन ने नेपाली भूमि का अतिक्रमण किया या नहीं किया हमें नहीं जानकारी है, लेकिन मीडिया की सुने तो किया है। मीडिया के अनुसार, चाहे वो नेपाली मीडिया हो या इंडियन मीडिया हो, उसके अनुसार चीन ने नेपाली भूमि का अतिक्रमण किया है। लेकिन नेपाल की जनता को चीन हमेशा दोस्त ही नजर आता है। इसका मुख्य कारण है कि चीन ने नेपाल की भीतरी राजनीति में कभी भी दखल अंदाजी नहीं की, और नेपाली जनता का ये मानना है कि नेपाल में जो कुछ भी घटनाएं होती हैं उनको भारत अंजाम देता है, और नेपाली जनता फ्री होना चाहती है, भारत से आज़ाद होना चाहती है, यानी भारत का नेपाल में कुछ भी ना चले। जैसे भारत के हिंदू लोग डरते हैं कि भारत में मुस्लिम ज़्यादा हो जाएंगे तो ये भारत की प्राचीन सभ्यता को खत्म कर देंगे, उसी प्रकार नेपाली लोग भी डरते हैं कि भारत में इंडिया के लोग ज़्यादा हो जाएंगे तो ये पहाड़ियों की प्राचीन सभ्यता को नष्ट कर देंगे। वैसे ही जैसे भारत के साथ होता है वैसे ही नेपाल के साथ भी होता है। नेपाल को भारत से कोई दुश्मनी नहीं है, नेपाल अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, जैसे भारतीय हिंदू अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी प्रकार नेपाल भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है भारत के साथ में। इसलिए उसे चीन का सहयोग चाहिए, क्योंकि नेपाल अच्छे से जानता है कि भारत और अमेरिका मिले हुए हैं और ये हमारे लिए कभी भी लाभदायक नहीं हो सकते हैं। इसलिए नेपाल चीन की तरफ जा रहा है, क्योंकि नेपाल ने देखा कि चीन ने हमारा नुकसान नहीं किया, चीन ने हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स में कभी भी दखल अंदाजी नहीं की, इसीलिए वो चीन की तरफ जा रहे हैं। और दूसरा विकास का काम है, चीन ने नेपाल में विकास के काम में इस समय काफ़ी तेजी लाया है। भारत ने जो वहाँ पे विकास के ठेके लिए उनको 5 साल 10 साल 15 साल में पूरा किया, और चीन समय से पहले ही पूरा कर रहा है। ये हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं कुछ वीडियो में कि चीन जिस काम को 2022 में पूरा होना था उसको वो 2020 में ही पूरा कर दिया उन्होंने। इसलिए वो चाइना पे भरोसा करते हैं, क्योंकि चाइना उनके साथ धोखेबाजी नहीं कर रहा है, जो वादा कर रहा है उसको चाइना पूरा कर रहा है, और भारत जो वादा कर रहा है उसको पूरा नहीं कर रहा है विकास कामों का। अब चाइना भीतरी तरीके से नेपाल से क्या चाहता है ये हमें नहीं मालूम, लेकिन बाहरी तरीके से नेपाल चाइना का मित्र नजर आता है। आप देखेंगे वहाँ पे विकास कार्य तो चाइना बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, नेपाल में पेट्रोल भी निकाल रहा है चाइना। हालांकि नरेंद्र मोदी के आने के बाद भारत ने भी तेजी से विकास का काम किया, लेकिन भारत उतनी तेजी से नेपाल में विकास का काम नहीं कर पा रहा है जितनी तेजी से चाइना कर रहा है, इसलिए नेपाली लोग चाइना की तरफ जा रहे हैं। वो भारत को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानते हैं, क्योंकि भारत के नागरिक बिहार उत्तर प्रदेश साइड के बहुत ज़्यादा चले गए हैं नेपाल में। तो कह सकते हैं कि हमारी सरकारों द्वारा कुछ ना कुछ गलतियां जरूर हुई है जिससे नेपाल चाइना की तरफ जा रहा है।